तो बन करके तैयार हो गई है हमारी नारियल की बर्फी। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये, देखिए कलर वलर कितना अच्छा है ना। तो मम्मी बैठो आप, फिर आप टेस्ट करके बताओ। ये हमारा बंदर जो है निकाल निकाल खा रहा है सब। इससे सबर नहीं हो रहा। हाँ, इससे नहीं हो रहा। रुको ना यार, पारिवारिक माहौल करेंगे। तुमको हम पहले खिलाएं। नहीं नहीं, रुको, खा ही रहा है। पहले खा चुको। ये लो दादी, पारिवारिक माहौल। आपका इसके मुंह में तो है ही ऑलरेडी। अच्छी लगी है दादी? ऐसा नहीं कि ऐसे बोलना है, आप बुरा भी लगना है तो बोल दो। अच्छा, अपना रियल एक्सपीरियंस बताओ, कैसी लगी? अच्छी बनी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंपली मीनल में। तो आज हमारे किचन में क्या खास बन रहा है? आज हमारे किचन में बन रहा है नारियल की बर्फी। और ये नारियल की बर्फी आप चाहे तो व्रत में खा सकते हैं, और दिवाली तो आने ही वाली है वैसे भी, तो दिवाली में आप ये घर की बनी हुई स्वीट्स बनाइए। और केवल इस नारियल की बर्फी को बनाने में हमारे 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, जो कि लगभग आपके घर पे मिल ही जाते हैं, और बहुत ही ज्यादा यम्मी बनती है गाइज। ये वाली जो बर्फी है आप घर में जरूर एक बार ट्राई करिएगा। बहुत ही आसान होता है, ज्यादा तामझाम नहीं होता और बिल्कुल हलवाइयों जैसी ही बनती है। पता है इसका सीक्रेट मैं आपको बताती हूँ। तो ये रेसिपी मैंने ना खुद हलवाई वाले भैया से सीखी थी। एक्चुअली क्या था, एक बार मैं मिठाई लेने गई थी स्वीट्स वाली शॉप पर, तो वो बना रहे थे। मैं 1 घंटे तक खड़ी रही थी इस रेसिपी को देखने के लिए कि भैया क्या मेथड यूज करते हैं और कैसे बनाते हैं। तो सेम मैंने वैसे ही मेथड फॉलो किया है, 2-3 बार बना चुकी हूँ घर पे, और फिर मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल जैसे स्वीट वाली शॉप पे मिलती है ना, हलवाई वाले भैया जैसे बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनकर आएगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं और बनाते हैं हम अपनी नारियल की बर्फी या नारियल की मिठाई। पर उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर मैंने है ना 1 लीटर से कम है ना, ये फुल क्रीम दूध है, अमूल का ले लीजिए चाहे जो भी मिले, लगभग 800 ml के आसपास ये दूध है। मैंने इसमें से 1 लीटर में से थोड़ा सा दूध निकाल लिया था, तो ये 800 ml के आसपास है। और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रखी है गैस पर, और इसमें मैं डाल दूंगी और अब हमें इसे चलाते रहना है, मतलब इस दूध को हमें आधा कर लेना है। तो देखिए ये दूध में बॉईल आने लगा है ना, हमें जो दूध है वो आधा कर लेना है। और अब मुझे है ना इसमें थोड़ा सा मैं केसर और डालूंगी, अगर आपके पास अवेलेबल है केसर तो आप डालिएगा, उससे कलर हल्का येलो अच्छा आता है ना, तो वो मैं केसर डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं 4-5 दाने केसर के डाल दे रही हूँ, और हमें दूध को आधा कर लेना है। देखिए का भी धीरे धीरे कलर आ जाएगा थोड़ा सा, और आप चाहे तो इसमें खाने वाला जो पीला रंग है ना वो भी डाल सकते हैं। तो गाइज ये वाली जो बर्फी है ना, मैं काफी टाइम बाद बना रही हूँ, जब राहुल थे ना तो उन्हें बहुत पसंद आती थी, तो मैंने 2-3 बार बनाई है, और उसके बाद 1-1.5 साल बाद अब मैं बना रही हूँ ये। तो आई होप सो अच्छी बनी जाएगी, देखते हैं, बननी तो चाहिए क्योंकि मैं 1.5-2 साल बाद बना रही हूँ। और बनती वैसे बहुत ईजी है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है ये रेसिपी। तो चलिए देखते हैं, बनाते चलते हैं। ये देखिए हमारा दूध भी अब गाढ़ा होने लगा है। यहाँ पर मैंने ना नॉन स्टिक कढ़ाई का यूज किया है, आप चाहे तो नॉर्मल वाली जो कढ़ाई होती है वो भी यूज कर सकते हैं। और मैं नॉन स्टिक कढ़ाई है तो मैं तेज आंच पे पका रही हूँ, लेकिन लगातार चला रही हूँ मैं। तो आप भी इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको लगातार ही चलाना है अगर आप तेज आंच पे पका रहे हैं और नॉन स्टिक यूज कर रहे हैं। नॉर्मल कढ़ाई अगर आप यूज करेंगे तो आपको लगातार ही चलानी है और मीडियम फ्लेम पे आपको चलाते रहना है इस रबड़ी को। तो अब देखिए कलर चेंज हो रहा है ना धीरे धीरे करके। गाइस कुछ लोग तो है ना व्हाइट बर्फी खाते हैं, मतलब व्हाइट मिलती है कहीं कहीं, मिलती है येलो कलर की, और कहीं व्हाइट और पिंक कलर की भी मिलती है। तो अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है कि कैसे आपको खानी पसंद है, कैसा आप येलो पसंद करते हैं। तो आज मैं थोड़ी सी येलो बनाऊंगी, तो केसर से तो बहुत हल्का सा येलो कलर आया है देखिए। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा येलो कलर और डाल देती हूँ, बस हल्का सा। तो मैं 1 पिंच के लगभग येलो कलर डाल देती हूँ बस, और इसे हमें चला लेना है ये देखिए। और हमारी लगभग रबड़ी भी तैयार है। तो
तो कलर आपको लाइट येलो खाना है या डार्क येलो खाना है ये आपके ऊपर है। तो मैंने तो बहुत लाइट ही बनाया है और ये खाने वाला पीला कलर है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। कि गाढ़ा हो गया है ना हमारा, ये रबड़ी जैसी तैयार हो गई है। तो अब मुझे इस स्टेज पे डालनी है ये चीनी। ये चीनी 180 ग्राम है यानी कि पौन कटोरी है, बाकी मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे अभी मुझे फिर से मिलाना है। तो जैसे ही हम चीनी मिलाएंगे ना तो ये चीनी अपना पानी छोड़ेगी, तो फिर से ये हल्का सा पतली हो जाएगी। तो फिर से हमें इसे 3 से 4 मिनट पकाना है। और दिवाली पे तो गाइस बना के आप खिलाइए मेहमानों को, कोई नहीं कह सकता ये कि ये बाजार की नहीं है। तो गाइस अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच के लगभग केवड़ा वाटर है ये। केवड़ा वाटर अगर आपके पास नहीं है तो आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देखिए पतला हो गया ना ये, अब हम इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो ये गाढ़ा हो चुका है ये। तो अब मैं यहाँ पर डालूंगी इसमें ये 220 ग्राम के आसपास नारियल का बुरादा है, बाजार में आराम से मिल जाएगा। और अगर आपके पास नहीं तो आप ताजा नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका ब्लैक वाला पार्ट हटा करके। तो अब वो मैं डाल रही हूँ उसमें। ये देखिए और इसे हम चलाएंगे अच्छे से। और आँच मैंने अब बिल्कुल ही बंद कर दी है। है ना 2 से 3 चम्मच देसी घी के भी डालूंगी ताकि थोड़ी सी शाइन आ जाएगी इसके अंदर और खराब भी नहीं होगी और टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा इसका। तो 2 से 3 चम्मच मैंने डाल दिया है देसी घी और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ट्रे ले ली है और इसको मैं ऑयल से ग्रीस कर लूंगी ताकि निकालते समय आसानी से निकल जाए। तो ये मैंने निकाल के इधर रख लेती हूँ इसमें सब कुछ थाली में। और देखिए कितने से मेरे 220 ग्राम और उससे लेके कितनी हमारी बर्फी तैयार हो जाएगी आप देखिएगा। मैंने यहाँ पे हाथ से हल्का ठंडा हो गया है तो हाथ में हल्का सा ऑयल लगा लिया है और इसे अब मैं शेप दूंगी। चाहे तो आप उसका भी कटोरी में जैसे पीछे की तरफ लगा के ना उसका भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ कटोरी से कुछ हाथों से सेट कर लिया है और अब मैं यहाँ पर थोड़े से है ना पिस्ते लगा देती हूँ और बादाम है ये मैंने कट कर लिए थे। ये देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है। और अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी चांदी का वरक। बहुत सारे लोग कहते हैं हेल्दी होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं होता है, पर देखने में सुंदर लगता है तो इसीलिए मैं लगा दे रही हूँ ये थोड़ा बहुत। तो देखिए बन गई है हमारी ये नारियल की बर्फी और कितना कम टाइम में हमारी ये नारियल की बर्फी बनी है। तो अब हम इसे है ना 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए बन गई तुम्हारी ये बर्फी। हाँ तैयार हो गई, सब सेट भी हो गई, 2 घंटे हो गए हैं और अब हम इसे कट कर लेते हैं। कट तो मम्मी किसी भी पीस में कर लेना। स्क्वायर में ही कर लेती हूँ। स्क्वायर में ही करो। तो बन करके तैयार हो गई है हमारी नारियल की बर्फी और देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये। देखिए कलर वलर कितना अच्छा आया है ना। तो मम्मी बैठो आप, फिर आप टेस्ट करके बताओ। ये हमारा बंदर जो है निकाल निकाल खा रहा है सब। हाँ इससे सबर नहीं हो रहा। हाँ इससे नहीं हो रहा। मैंने कहा दादी खा लेंगी, बोले नहीं भाई ये तो ट्रे में से ही निकाल निकाल के अपना शुरू हो गया। आपकी गंदी बात होती है, ऐसे नहीं खाते हैं। टेस्टी ऐसे क्या मतलब है। तो दादी को खिलाते हैं। चलो दादी आप बताओ। रुको यार पारिवारिक माहौल करेंगे। तुमको हम पहले खिलाएं। नहीं रुको वो तो खा ही रहा है। पहले खा चुको। ये लो दादी पारिवारिक माहौल। आपका
इसके मुंह में तो है ही ऑलरेडी। हाँ मैं लेती हूँ, आप बताओ कैसी बनी होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बनी है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनी है। और कितनी टेस्टी लग रही है, देखने में ही कितनी बढ़िया लग रही है ये देखिए। मजा आ गया। और आपके बादाम और पिस्ता भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, दिखने में अच्छे लग रहे हैं ना। कैसे बने हैं रुद्रांश? बहुत टेस्टी बने हैं। अब इस बार दादी अपना रिएक्शन बताएं। दादी आप अपना बताएं। गलत बोल जाते हैं तुम। गलत बोल जाते, गलत क्या बोल जाओगी। नहीं दादी कुछ नहीं, बोलो बोलो कैसा लगा दादी। अच्छा सही सही बताओ कैसी लगी है। अच्छी लगी है। दादी ऐसा नहीं कि ऐसे बोलना है, आप बुरा भी लग रहा है तो बोल दो। अच्छा अपना रियल एक्सपीरियंस बताओ कैसी लगी। अच्छी बनी। हाँ तो मतलब अच्छी बनी। क्योंकि दादी बिल्कुल ऐसे ही बता देती है, अगर सही होता है तो सही बताती है और गड़बड़ होता है तो गड़बड़। दादी भोली है हमारी। दादी भोली है। अच्छा और तू पिशतान है, तू भी भोला है। तू भी एक भोला बच्चा है, दादी भी भोली और उनका पोता भी भोला, दोनों दादी पोते भोले, पूरा परिवार भोला है। तो गाइस अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, दादी और मुझको तो बड़ी अच्छी लगी, मम्मी ने भी खाया नहीं है। हाँ। तो मम्मी का पता नहीं है अभी। हाँ। तो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे मम्मी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बाय। और ये तो बता दो कि बनाएं एक बार, जरूर घर में ट्राई करें। नहीं सब बना लेंगे, इतना अच्छा एक्सपीरियंस दिया हमने। हाँ, हाँ। अच्छा सब बना लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस है तो भाई बनाइएगा जरूर। हाँ बनाइएगा जरूर, बहुत इजी रेसिपी है ये। ये देखो रुद्रांश तो रुक ही नहीं पा रहा है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह हम एक और नई प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।